Welcome back to another video. This is Abdul Khalik and you are watching me on my YouTube channel. Karachi se ek mera dost aaya hai. Aaj uske saath meri collaboration hai. To dekhte hain ab kis cheez pe kaam karte hain, kis cheez pe video banate hain. Aapko dikhayenge zarur, inshaAllah. This is Mr. AK and Mr. Shabir Jatoi. And where is selfie stick? Selfie, I forgot selfie stick and mic. Very late, you got it. Very late. Actually, बात ये कि road जो बना हुआ है ना, वो एक बना हुआ था. पर वे कल को बंद नहीं करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही रोड बना था, जिस पे सिर्फ मरम्मत की गई थी. ये vlog सिर्फ ना बातें नहीं होंगी कि मैं क्या कर रहा हूँ basically. हम आपको कुछ ना कुछ information दें. हमने आपके एक ढाबे की सेल करवाई है. इस तरह से जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि जो है ना चाय कल्चर इन सिंध, इस तरह के छोटे मोटे जो है ना बहुत सारे ढाबे हैं सिंध में. तकरीबन जितने भी यहाँ की सिटीज़ हैं, हर सिटी के बाहर 2-4-5-6 ढाबे ज़रूर होते हैं स्पेशल चाय के. जितने भी साई या सिंधी लोग हैं वो चाय के शौकीन होते हैं. अगर आप देखेंगे किसी भी चाय की कंपनी का एड देखेंगे ना, तो हमेशा आपको उसमें जो है ना चाय अजरक और जो है ना उताक मिलेगी. मीट माई कराची सिटी फ्रेंड शबी अहमद. शबी जतोई. शबी जतोई, ही इज बैंकर फ्रॉम कराची. आई एम डूइंग जॉब इन कराची एंड आई एम प्रोफेशनली आई एम बैंकर. बस ये शौक है मेरा, तो फिर हम जो है ना इस व्लॉगिंग की तरफ आ गए और हमने सोचा कि इस पर भी कुछ काम करें. किसी ज़माने में थोड़ा सा शौक भी था एक्टिंग का, तो अब वो यहाँ पे पूरा कर रहे हैं हम, क्योंकि वो जॉब की वजह से कर नहीं पाए, तो अभी इसको भी पूरा कर रहे हैं और एक्सप्लोर भी कर रहे हैं दुनिया को. आप तो जानते ही हैं, दिल तो बच्चा होता है, ठीक है ना. उम्र कितनी भी हो जाए, आप मसरूफ़ कितने भी हो जाए, अगर आपके दिल में कोई भी हसरत मौजूद है, अगर आपके दिल में कोई भी शौक़ मौजूद है बचपन से या कभी भी होता है, तो आपको तो आप उसको पूरा करने के लिए ट्रक चलाते हैं. ट्रक भी चलाते हैं. ड्राइवर बनना पड़ता है. मेयर सिटी या फिर आप कह लें कि तहसील टाउन है जो है ना दादू डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ सबसे बड़ी खोए की मार्केट होती है और खोया बनाया जाता है, जो कि कराची और हमारे पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जो है ना ट्रेडिंग होती है. तो आज हम उसको एक्सप्लोर करने आए हैं, आपको दिखाने आए हैं कि ये किस तरह से बनता है, कैसे बनता है. और चलिए तो बाकी देख लेते हैं उसको. आपको दिखाते हैं यहाँ की स्पेशलिटी. ये एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है जो मेहर के बाईपास पर मौजूद है. अभी नया ही बना हुआ है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ. पर यहाँ की जो स्पेशलिटी होती है इसकी चाय और इसकी जो फूड्स होते हैं, फूड्स की इतनी भी चीज़ें होती हैं, वो ज़बरदस्त है. यहाँ पे बहुत सिटीज़ से स्पेशली यहाँ पे डिनर लंच के लिए लोग आते हैं. जैसे कि फ्रेंड्स ग्रुप में कहीं निकल पड़ते हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो बहुत दूर से यहाँ भी आते हैं. दीज आर कॉल्ड द साइबेरियन बर्ड्स. हर साल इसी मौसम में कई जगहों से यहाँ पर आते हैं. हाँ सही, 200 रुपया किलो. सपा ताजी मछली बाबा. ये बाजार तकरीबन 100 साल से भी पुरानी है.
आपको बाजार का सैर करवाया। ये आज से पूरा 101 साल पुरानी है। इसकी बनावट 1918 में हुई थी और आज से पूरा 101 साल पुरानी है और अभी तो इसकी हालत बहुत नाजुक है। अभी हम जो है ना मेहर टाउन के सबसे बेहतरीन खोए की दुकान पे खड़े हैं, जहाँ पे सबसे बेहतरीन जो है ना मावा बनाया जाता है। तो हम अभी जो है ना अपने दोस्त जो है ना मोहम्मद अली बैस साहब के साथ हैं। ये इस दुकान के मालिक हैं, जो कि बहुत सालों से जो है ना ये खोए का काम कर रहे हैं। बाकी हम कुछ इनसे पूछेंगे। मोहम्मद अली साहब, आप ये काम कितने से कर रहे हैं? 50 साल। मतलब 50 ईयर्स हो गए कि ये बंदा यहीं पे यही काम कर रहा है। तो आप सोचेंगे इनकी एक्सपर्टीज़ इस काम में कितनी होगी। मेहर शहर की जो है सबसे स्पेशलिटी क्या है? मतलब मेहर शहर को अगर कोई जानता है तो किस हवाले से जानता है? माए साहब, मेहंदी। माए और मेहंदी से, मतलब माए का मतलब ये है कि खोए। खोया बेसिकली क्या होता है, जो कि अगर कराची या दूसरे किसी शहर में जो हम यूज़ करते हैं किसी भी मीठी प्रोडक्ट में या स्वीट डिश में, तो वो रो फॉर्म में होता है, वो फीका होता है। जो कि आप जो है ना जर्दे में डालते हैं या मुख्तलिफ गाजर के हलवे में या बहुत सारी और चीज़ों में आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उसी खोए को दोबारा पका के उसमें मीठा डाल के यानी कि चीनी डाल के उसको माए की शक्ल में या हलवे की शक्ल में लाया जाता है, जो कि आपने हाल में देखा होगा रखा है। तो वो आप जो है ना बिल्कुल एंड जो है ना वो प्रोडक्ट होती है जो कि आप नॉर्मली खा सकते हैं। यहाँ की सबसे बेहतरीन स्पेशलिटी जो है वो खोए की है और खोए का मावा है या हलवा है। उसके अलावा मेहर की एक और भी स्पेशलिटी है मेहंदी, जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। स्पेशली जो है ना औरतें बड़ी शौकीन होती है जो है ना मेहंदी इस्तेमाल करने की। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट होती है मेहंदी की, वो भी मेहर में जो है ना काश्त की जाती है। मेहर का मावा स्पेशली यहाँ की बहुत सारी सिटीज़ में मशहूर है, बहुत फेमस है और इसकी जो क्वालिटी है वो तकरीबन बाकी सब शहर मुख्तलिफ है और इसका जो जायका है माशाल्लाह। बाकी जहाँ भी जो मिलते हैं, जहाँ भी खाया आज तक हमने सिंध के बाकी शहरों में, कराची में, उसके अलावा पंजाब में या दूसरे सूबों में, और किसी भी प्रोविंस में, किसी भी शहर में इस जैसे जायके के मुताबिक कोई भी समय कहीं भी खोया या मावा नहीं करा। यहाँ की जो बाजार है तकरीबन 100 साल पुरानी है। इसकी जो बनावट है तकरीबन 1918 में है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको यहाँ पे शुगर फ्री जो है ना हलवा भी मिल जाएगा। तो कभी भी अगर आपका गुजर हो इंडस हाईवे से तो आप ज़रूर यहाँ पे रुके और वही को एंजॉय करें यहाँ से, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आज हमने आपको जो है सैर करवाई है मेहर सिटी की, जिसमें हमने आपको खोए की मार्केट दिखाई। आपको जैसे मैंने बताया था कि कराची में नॉर्थ नेपियर रोड पर सबसे बड़ी खोए की मार्केट है। अगर जो भी कराची में मीठे में खोया यूज़ होता है वो नॉर्थ नेपियर से लोग लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ये खोया बेसिकली आता कहाँ से, तो वो मैं आपको बताने के लिए ये आया था कि वो मेहर सिटी। तो कभी भी आपका गुजर हो तो यहाँ पे आइएगा। मोहम्मद अली भाई जो है ना महेसर की शॉप है शाही बाज़ार में और तकरीबन 100 साल से ज़्यादा जो है ना पुरानी है ये बाज़ार। यहाँ पे आइएगा और ये खोया या हलवा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। भैया अभी हम जो है ना दुआ रेस्टोरेंट रखते हैं। ये दुआ रेस्टोरेंट कराची की दुआ रेस्टोरेंट नहीं है, ये मेहर टाउन की द्वार रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिल सकती है खानों की। और सबसे अच्छी स्पेशलिटी इसकी ये है कि यहाँ पे गोला कबाब बड़े अच्छे मिलते हैं। लास्ट जनवरी में मेरे साथ कुछ दोस्त आए थे कराची के, मैंने जब उनको यहाँ पे खाना खिलाया तो उनको बड़ा पसंद आया, स्पेशली इनके गोला कबाब।
और आपको पता है मटन कढ़ाई हर जगह पे अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे बकरा उसी वक्त कटता है और उसी वक्त बनता है। बिल्कुल ये आप तसल्ली रखेंगे कि गोश्त जो है ना प्योर बकरे का है और खोती का नहीं है। तो द्वार रेस्टोरेंट मेहर टाउन डिस्ट्रिक्ट दादू। अभी जो आप ये बकरा देख रहे हैं ये आज ही कटने वाला है। अभी हम खड़े हैं मेहर के द्वार रेस्टोरेंट पे जो सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ का फूड बहुत ही मशहूर है, बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही लजीज होता है, और हमारे पास टाइम ना होने की वजह से आपको कुछ दिखा नहीं सकते, इसलिए हम जा रहे हैं। आया भाई। तो भाई हम इस वक्त मौजूद हैं इस जगह पे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लारकाना से 62 किलोमीटर दूर कौन सा शहर आता है।